चिनाव ब्रिज पर जाने के लिए दिल्ली से जम्मू पहुंचे और यहां पर श्री माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग बाई रोड चिनाव ब्रिज के लिए निकल गए। बारिश के बाद सड़क एकदम साफ सुथरी धुली धुली नजर आ रही है और चारों तरफ हरियाली में अच्छा खासा इजाफा नजर आ रहा है। हरियाली इतनी खूबसूरत है और इतनी आंखों को भा रही है कि बिल्कुल इस सड़क पे ट्रेवल करके ही मजा आ गया। बारिश के बाद में ग्रीनरी कितनी बढ़ गई है, एकदम पूरा हरा भरा हो गया है। जब ही हम आए तो उस समय इतनी ग्रीनरी नहीं थी ना, उस वक्त इतनी नहीं। कैसी बारिश हुई इस बार यहाँ पे? ठीक है, बाकी वालों से कम ही हुई है, पिछली बार से कम ही हुई है। अच्छा, पिछली बार भी ऐसे ही था। जल्दी ही हम लोग चिनानी नाशी टनल के पास पहुंचने वाले थे और याद आया कि ये लोकेशन वही है जहां पर पत्नीटॉप हिल स्टेशन हुआ करता है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक रात पत्नीटॉप में ही बिताई जाए और हम लोग करीब 1.5 घंटे के सफ़र करने के बाद पत्नीटॉप पहुंच गए। यहां पर अधिकारी विश्राम गृह, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है, चारों तरफ ऊँचे ऊँचे चीड़ के पेड़ और बीच में ढेर सारी सैलानियों के लिए हट बनाई गई है। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहाँ पर खुशनुमा रात बिताने के साथ ही हम लोग अगली सुबह आगे के सफ़र पर निकल गए। कई सारी छोटी बड़ी टनल से होते हुए हम लोग रियासी पहुँचे, जहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर श्री बीके शर्मा मिले और उनके साथ में हम लोग चिनाव ब्रिज के लिए आगे रवाना हो गए। मैं बेसिकली ये तीन चीज़ें मेरे पास हैं, टनल T2, ये अंजी ब्रिज 39। तो उस पर T1 है और क्या क्या है? T1 है और T5, T5 के बाद में बाकी टनलें उसकी पूरी हो गई हैं। अच्छा, 6-12 पूरी हो गई है। अब 13 और 14 है, वो लंबी है काफ़ी। चनावड़े के बाद दो और मेरे, उसके बाद एक संगलदान में डिप्टी है और दो डिप्टी है बनिहाल में। चलिए शुरू करते हैं चिनाव ब्रिज में प्रोग्रेस क्या रही। हमारे दाहिनी तरफ कौड़ी एंड है और बाईं तरफ बक्कल एंड है। नवंबर में जब हम लोग आए थे तो उस समय इस आर्च की पोजीशन करीब इतनी बनी थी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये पोजीशन थी नवंबर की, मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन नवंबर में बन के तैयार हो गई थी और उसके बाद काम चलता रहा। और अभी एज ऑन जुलाई, हम लोग 8 जुलाई की प्रोग्रेस दे रहे हैं, नवंबर के बाद यहाँ से इस पोजीशन तक आर्च बन के तैयार हो चुकी है। ये पोजीशन जो है ये नवंबर से जुलाई के बीच में, ये जो हम टोटल अगर आर्च की बात करें तो करीब 2/3 आर्च कंप्लीट हो गई है, बीच का 1/3 पोर्शन बचा हुआ है। और जो डेड पोर्शन है वो कौड़ी एंड का, वो आर्च के बेस तक जो है उसके एक खंभे पहले तक कम्प्लीट हो चुका है। इसमें टनल, दोनों तरफ की टनल है वो कंप्लीट हो गई हैं, उनकी लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। लेकिन इस बीच में काम थोड़ा स्लो रहा क्योंकि 3 महीने कोविड-19 पेंडेमिक के चक्कर में काम बंद रहा,
रिसेंटली काम शुरू करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन विद रिस्ट्रिक्टेड मैन पावर के साथ में काम हो रहा है। तो हम पाएंगे कि जल्दी ही इस बचे हुए पोर्शन का, जो कि एक तिहाई पोर्शन है पूरी आर्च का, इस पर हम काम होते देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल लिंक है जो कि हम श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा, जिससे कोई भी चीज़ें साजो सामान बहुत तेज़ी से श्रीनगर तक पहुंचाई जा सके। तो हम देख रहे हैं जब आर्च ख़त्म होगा तो इसके ऊपर ही डेक पोर्शन आएगा। चलिए डेक पोर्शन का थोड़ा सा ग्रीन कलर से बना देते हैं, एक कलर इसमें और लगा देते हैं। ये रहा डेक पोर्शन। डेक पोर्शन जो है हमारा बीच में नीचे इस आर्च पे ऐसा कुछ जुड़ेगा, ऐसा नज़र आएगा हम लोगों को। ये आर्च के कंप्लीट होने के बाद में इन काम को होना है, कुछ ऐसा दिखेगा। इस समय चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन के साथ यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि देश की सीमाओं पर और स्ट्रेटजिक लोकेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जिससे कि आपात स्थिति में कम से कम समय में हमारी सेनाएं अपने ज़रूरी साजो सामान के साथ में पहुंच सकें। इसी दिशा में चिनाव ब्रिज और अंजू ब्रिज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि श्रीनगर को जम्मू से रेल मार्ग से जोड़ते हैं। अगले पार्ट में हम अंजी ब्रिज की प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे और इसी क्रम में हम लोग अंजी ब्रिज के लिए निकल चुके हैं।